हेलो गाइस, आज हम ये हमारा एक कैपल ICT लेवल ट्रांसमीटर है। आज हम इसको इंटरफेसिंग बताएंगे एक ये इंडिकेटर से जो रीट्रांसमिशन इंडिकेटर है, राइट। अब आपको मैं इसका कनेक्शन डायग्राम बताता हूँ, इसको कनेक्ट कैसे करना है। फर्स्टली क्या करना है, अपना जो सेंसर है आप इसको देख पाएंगे तो यहाँ पे इसका प्लस माइनस है, इनपुट सप्लाई है फर्स्ट टू टर्मिनल्स, देन थर्ड और फोर्थ वाला जो है वो अपना मिली एम्पियर आउटपुट है। अब अपने को इसको कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर की जो यहाँ डिस्प्ले आएगा वो यहाँ पे आना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, इसका जो डायग्राम है आप देख पाएंगे तो इसमें क्लियर बता रखा है कि 19 और 20 पे आपको सप्लाई देना है 24 वोल्ट DC, ओके। एंड देन जो इसके करेंट का आउटपुट जो आएगा मिली एम्पियर वाला माइनस और प्लस का, देन प्लस वाला कनेक्ट होगा 21 नंबर पे, एज यू सी ऑन द डायग्राम 21, एंड माइनस वाला होगा 4 नंबर पे। अब आप यूँ देख सकते हैं तो ये 19-20 पे मैंने सप्लाई दी है, 21 पे मैंने पॉजिटिव और 4 नंबर पे मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया है। अब हम इसे ऑन करते हैं और फिर इसका रीडिंग देखते हैं। तो जस्ट हमने अभी पावर ऑन किया है, अभी ये मेरा कैपल ऑन हुआ है, राइट। अब आप देख रहे हैं कि मैंने अभी सेटिंग इसकी कर रखी है तो अपन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जस्ट इस की को प्रेस करके रखना है। यहाँ गया लेवल ज़ीरो पे, अपने को देन इसको एंटर करना है। पूछेगा इनपुट टाइप, अपने को इनपुट टाइप यहाँ जो भी चाहिए लाइक जे टाइप, के टाइप, टी टाइप, आर टाइप, एस टाइप, PT100, उसके बाद ये ऑक्सिलरी वोल्टेज है, देन ये वोल्टेज का है, देन ये करंट का है। अपने को करंट चाहिए तो करंट पे अपन जाके एंटर कर देंगे। देन उसके बाद एक रिसेट वैल्यू पूछेगा, इसको 1 रहने देना है। FTC पूछेगा, इसको एज इट इज़ सेट रहने देना है। बायस 0-0 रखना है। यहाँ पे लो लेवल पूछा है उसने कि लो लेवल पे आपको क्या रीडिंग चाहिए, तो अपने को 0 चाहिए इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये अपना करंट पूछ रहा है कि 4 मिली एम्पियर पे अपने को 0 मिलेगा। देन अपन गए हाई लेवल पे तो अपन ने 100% रखा है अभी, और इसकी सेट है करंट वैल्यू 20 मिली एम्पियर। देन अपन आगे जाएंगे तो रिसेट का पूछेगा, अपने को कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। देन एंटर करके अपन आ जाएंगे वापस इस पॉइंट पे, देन अगेन इसको प्रेस करेंगे फॉर 3 सेकंड्स के लिए, तो देन ये इस मोड से बाहर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इससे बाहर आ गया है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ लेवल के साथ। आप ये देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, उसके अंदर मेरा वाटर एप्लीकेशन है। देन अभी मैंने आउट किया है इसे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 0 दिखाएगा क्योंकि अभी मटेरियल से बाहर है, इट मीन्स कि 0% लेवल है। अब जैसे ही मैं इसको मटेरियल के अंदर डीप करूँगा देन करस्पॉन्डिंग इसके अंदर वैल्यू चेंजेस होगी। ये आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू चेंजेस हो रही है और ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अब एट अ सर्टेन लिमिट ये जाके 100% हो जाएगा कि मेरा 100% यहाँ पे कैलिब्रेटेड है इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टैंक मेरा फुल दिखा रहा है 100% पे। ओके, थैंक यू।